लद्दाख जैसे विशाल भूखंड पर दूर दूर तक बनी ये लंबी लंबी सड़कें और इन पर फर्राटे से दौड़ती हुई गाड़ियां सभी ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाती हैं और गाड़ियों की ये तेज रफ्तार ही दुर्घटना का मुख्य कारण बनती है। और जो लोग हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं उनकी वजह से दूसरे अन्य लोगों को बेवजह परेशानी होना एक आम समस्या है। सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर जब लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना तो यहां सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया गया और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत ट्रैफिक वायलेशन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाने लगी। हालांकि लद्दाख में अभी तक कई सड़कों पर वाहन की गति सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन लद्दाख ट्रैफिक पुलिस NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित हाईवे स्पीड के आधार पर मैक्सिमम स्पीड से अधिक गति पर वाहन चलाने वालों पर एक्शन लेते हुए भारी जुर्माना भी लगा रही है। लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने ई चालानिंग जो है लॉन्च किया लद्दाख में। पुलिस हेडक्वार्टर लद्दाख के सुपरविजन में ट्रैफिक पुलिस लद्दाख ने दोबारा जो है स्पीड लेजर गन को लिया, हमने ली है ये मशीनें। तो आज आपने देखा कि ओवर स्पीडिंग जो है उस पे ट्रैफिक पुलिस लद्दाख जो है वो चालान कर रही है। नए ट्रैफिक रूल्स को लागू करते हुए लद्दाख ट्रैफिक पुलिस ने लद्दाख में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया और लोगों को पैम्पलेट बांटे ताकि यातायात नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो पढ़ना है और इस पे अमल करना है। आज हमने एक तो ट्रैफिक अवेयरनेस पैम्पलेट्स बांटे, ट्रैफिक अवेयरनेस और COVID-19 कोरोना वायरस के जो अवेयरनेस पैम्पलेट्स से उनको हमने आज बांटा। हमने देखा पिछले दिनों में कि सांकु और ये जो है पानीखर वाला रोड जो है जांसकर के लिए, उसमें लोग जो है बहुत ओवर स्पीडिंग जो है उसको रिजॉर्ट करते हैं, तेज़ चलते हैं। वहाँ पे भी हमने एक SO लगाया ताकि ओवर स्पीडिंग जो है उस पे कंट्रोल पाया जा सके ताकि जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो ना हो। और सिटी में भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी चालानिंग जो है वो बढ़ेगी और जो भी ट्रैफिक की वायलेशंस करेगा ट्रैफिक रूल्स की, हम उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले जब लद्दाख प्रांत जम्मू कश्मीर का ही भूभाग था तो यहाँ पर CMVR यानी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स लागू नहीं था, लिहाजा कुछ लोग बहुत तीव्र गति से गाड़ियाँ चलाते थे, चाहे वो सीधे रास्ते हो या पहाड़ी ढलान, जिनके कारण सड़क पर हादसे होना एक आम समस्या बनी हुई थी। आने वाले दिनों में क्योंकि लद्दाख में एक ट्रैफिक का जो एक बहुत बड़ा वायलेशन है वो ओवर स्पीडिंग है। अगर एक्सीडेंट्स यहाँ पे होते हैं, कुछ रूट्स हैं जो करगिल से लेह में, लेह के बीच में आते हैं, रोड्स खुले हैं, ट्रैफिक कम होती है और लोग जो हैं वो ओवर स्पीडिंग करते हैं। इसी तरह से मनाली से जो गाड़ियाँ आती हैं वो भी ओवर स्पीड करते हैं, नुब्रा से भी कुछ स्ट्रेचेज ऐसे हैं, रोड्स कुछ जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो आने वाले दिनों में ओवर स्पीडिंग जो है, जो ओवर स्पीडिंग कम्यूटर्स करते हैं, ड्राइवर्स करते हैं, उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई होगी और हम उनको चालान करेंगे, उनको हैवी फाइन देना पड़ेगा। लद्दाख का अपना कोई मोटर व्हीकल एक्ट नहीं है, इसलिए सभी चालान नए मोटर व्हीकल एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और नेशनल हाईवे का जो स्पीड लिमिट है वो भी जैसे बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी सिटीज जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिस तरह का उनका रहेगा तो रोड को देख के सिटी का, टोन का और नेशनल हाईवे जो है उसमें अपनी अपनी स्पीड लिमिट्स रहेंगी। तो उसको जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। तो अब लद्दाख जैसे विशाल भूभाग की सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने वाले हो जाएं सावधान और निर्धारित एवं नियंत्रित गति से ही लद्दाख में चलाए अपना वाहन। धीरे चलोगे तो सुरक्षित रहोगे, वरना चलान भी काटेगा ये प्रशासन। लद्दाख जाओगे तो गाड़ी भी धीरे चलाओगे, सभी राइडर्स को देना होगा अब ये आश्वासन। जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, ठीक है। ये लद्दाख के लिए, आप लोगों के लिए, ये पकड़िए, ये देख लीजिए, इसमें लद्दाख के बारे में है। फिर ड्राइवर्स के लिए क्या करना है क्या नहीं है इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद फाइन्स वगैरह जो है, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, मोबाइल नंबर्स वगैरह भी इस पे, ये आप अपने पास संभाल के रखिए और इसमें जो चीज़ें हैं वो बाकी लोगों में भी आपने फैलाना है, ठीक है। इन खूबसूरत वादियों की मखमली सड़कों पर
जब गाड़ी तेज चलाने को अपना मन डोले, तब सोचो तुम घर से दूर हो कहाँ पर, गाड़ी भगाने से पहले अपने ज्ञान की चक्षु खोले, भले ही सफ़र हो ज़्यादा लंबा, इस सफ़र को फुल एंजॉय कर, रुकता रुकता आगे बढ़ना, चाहे कोई कुछ भी बोले, दूर दूर तक फैली ये लंबी लंबी सड़कें, जिम्मेदारी भी है तुम पर, दुर्घटना से देर भली, गाड़ी चलाओ होले 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 होले। पिछले 2-3 महीनों से ट्रैफिक पुलिस लद्दाख जो है वो ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया हुआ है, आज उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आज हमने ट्रैफिक अवेयरनेस पैम्फलेट्स, आपने देखा होगा कि सुबह से आज हम बांट रहे हैं, हमें लेह और करगिल में तकरीबन 5000 ट्रैफिक अवेयरनेस पैम्फलेट्स बांटने हैं, जिसमें हमने लद्दाख के बारे में लिखा है, टोपोग्राफी के बारे में हमने उसमें दिया है, उसमें हमने डूज एंड डोंट्स जो कंप्यूटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके लिए एडवाइजेज़ हैं कि क्या क्या चीज़ को ओबे करना है, क्या करना है, कैसे ड्राइविंग करना है और किन चीज़ों को जो है वो नहीं करना है ड्राइविंग के दौरान। उसके अलावा हमने उसमें जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट सितंबर 2019 से जो अमेंडमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट आया है, उसमें जो इंक्रीज्ड फाइन है वो सारा हमने इन पैम्फलेट्स में दिया हुआ है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं लेह और करगिल में पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के और हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विसेज के, वो सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने उसमें दिए हैं। बच्चे दोस्तों, ये जीवन आपका है, ये सफ़र भी आपका है, पर्याप्त समय लेकर सफ़र पर निकले, ये लम्हा भी आपका है, खुलकर जी लो इस जीवन को, अभी ये वक्त भी आपका है, क्यों जल्दी करते हो, क्यों जिंदगी से भागते हो, कुछ छूट गया तो फिर आओगे, फिलहाल ये सफ़र भी आपका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करो, क्यों कंजूसी करते हो, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है, ये जीवन ही अनमोल है, बस इसको बचाना है, टाइम कम है, जल्दी घर जाना है, ये तो ना समझी का बस एक बहाना है, इस जल्दी के चक्कर में अपनों से दूर ना हो जाना, धीरे धीरे चलती रहे जीवन की ये गाड़ी, बस यही है जिंदगी का फसाना। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को देते हैं विराम, फिर से हाजिर होंगे, तब तक कर ले हम भी कुछ काम, भू भारत के हर किस्से का होगा अब सम्मान, जय हिंद जय भारत कहते करते हम इस माटी को प्रणाम।